बॉलीवुड में इस समय बायोपिक का बोलबाला है। पिछले सप्ताह अजहर देखने को मिली और अगले सप्ताह वीरप्पन रिलीज हो रही है। इस सप्ताह सरबजीत रिलीज हुई है, जो पंजाब में रहने वाले सरबजीत सिंह के जीवन पर आधारित है। सरबजीत सिंह शराब के नशे में सीमा पार कर पाकिस्तान में घुस जाता है और पकड़ा जाता है। उसे भारतीय जासूस और लाहौर में हुए बम विस्फोट का अपराधी मानकर जेल में बंद कर दिया जाता है, यातना दी जाती है और फिर फांसी की सजा सुनाई जाती है। दूसरी ओर उसका परिवार भी सजा भुगतता है। पिता बहन दलबीर कौर, पत्नी और दो बेटियां राह देखते हैं कि उनका सरबजीत भारत लौट आए। बहन दलबीर लंबी लड़ाई लड़ती है। बेगुनाह सरबजीत 23 वर्ष तक जेल में बंद रहता है और पाकिस्तान में ही अंतिम सांस लेने के बाद बेजान भारत लौटता है। स्क्रीन प्ले में सरबजीत पर कम और उसकी बहन दलबीर कौर के संघर्ष पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। सरबजीत की बहन दलबीर कौर से बात कर फिल्म बनाई गई है, इसलिए माना जा सकता है कि सरबजीत संबंधी अधिकांश प्रसंग सही होंगे, लेकिन गाने और फिल्मी संवाद का मोह छोड़ा नहीं गया। कुछ सीन और बातें जरूर फिल्म में अच्छी हैं। सरबजीत पर अत्याचार वाले दृश्य आपको असहज कर देते हैं, 23 सेकंड आपको परेशान कर देते हैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस आदमी ने 23 वर्ष तक सब कुछ झेला। समग्र रूप से देखा जाए तो स्क्रीन प्ले सरबजीत के साथ न्याय नहीं कर पाता। निर्देशक उमंग कुमार इस उलझन में फंसे रहे कि फिल्म को कितना रियल रखा जाए और कितना फिल्मी। ज्यादा दर्शकों को खुश करने के चक्कर में वे सरबजीत के साथ पूरी तरह न्याय नहीं कर पाए और फिल्म कहीं कहीं जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक हो गई है। सरबजीत की बहन दलबीर का किरदार ऐश्वर्या राय ने निभाया है और ऐश्वर्या के स्टारडम और खूबसूरती के आगे निर्देशक दब गए। ऐश्वर्या राय बच्चन को उन्होंने थोड़ी छूट लेते हुए ज्यादा फुटेज दिए और सरबजीत को साइडलाइन कर दिया। ऐश्वर्या के किरदार को उम्रदराज दिखाने के लिए बालों को सफेद कर दिया और आंखों पर चश्मा चढ़ा दिया। इसके बावजूद ऐश्वर्या अपने किरदार की उम्र की नहीं लगती। ऐश्वर्या राय का चयन गलत है, वे दलबीर के किरदार से न्याय नहीं कर पाई। पूरी फिल्म में उन्हें पंजाबी लहजे में हिंदी बोलने में कठिनाई महसूस होती रही और इससे मजा किरकिरा होता रहा। उन्होंने वहां भी संवाद चीख चीख कर बोले जहां जरूरत नहीं थी। रणदीप हुड्डा तो जैसे सरबजीत के किरदार में घुस गए। शारीरिक रूप से भी उन्होंने इसके लिए कठोर प्रयास किए। 18 साल तक काल कोठरी में बेड़ियों से जकड़े इंसान की क्या मनोदशा हो जाती है, उसे उन्होंने बेहतरीन तरीके से अभिव्यक्त किया है। सरबजीत की पत्नी और एक पथराई सी महिला जिसके जीवन में सिर्फ इंतजार लिखा है के किरदार में रीचा चड्डा प्रभावित करती है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बेहद लाउड है, सिनेमाटोग्राफी औसत है। सरबजीत की कहानी में बहुत कुछ दिखाने को था, लेकिन निर्देशक और लेखक उतना परोस नहीं पाए और दर्शक भूखा ही रह जाता है। इस फिल्म को मैं 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ।